नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा प्रतिस खबरों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में बिहार महिला फुटबॉल कैंप का किया गया आयोजन। बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 30 फुटबॉलरों को आमंत्रित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 10 से 24 सितंबर तक सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बिहार के सभी प्रतिभागियों को 24 अगस्त से 23 सितंबर की शाम तक रिपोर्ट करना है, जिसके लिए शहीद खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में कैंप लगाएगा। रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म परदेश। भोजपुरी सिनेमा पर जहां अश्लीलता का ठप्पा पूरी तरह से लग चुका है, ऐसे दौर में साफ सुथरे नए विषय वस्तु को लेकर फिल्म बनाना किसी रोमांच से कम नहीं। गोपालगंज के रहने वाले शाहिद शम्स भोजपुरी के पहले ऐसे निर्माता और अभिनेता हैं जिन्होंने भोजपुरी में कई यादगार फिल्मों का निर्माण किया है, वह अभिनय भी किया है, जिसमें परदेश उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी शूटिंग मुंबई, दिल्ली और सिवान गोपालगंज में की गई है। इस फिल्म में रोजी रोजगार से संबंधित और पारिवारिक मुद्दे प्रमुखता से दिए गए हैं। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। पटना के दीघा घाट, हाथीदह और सोन नदी के साथ साथ पुनपुन नदी में भी जल स्तर की वृद्धि हुई है, जिसमें दीघा घाट गंगा नदी में खतरे का निशान 50.45 मीटर, हाथीदह में 41.76 मीटर पर है और पुनपुन नदी श्रीपालपुर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे में बह रही है। समस्तीपुर की जनता शौचालय अभियान और जल नल योजना से अभी भी वंचित। समस्तीपुर जिले अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाकों में अभी भी शौचालय और जल नल योजना से वंचित होने की वजह से वहां की जनता में आक्रोश का माहौल है। वहां की जनता को पैसों के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, फिर भी वार्ड में कहीं के अधिकारी गायब हैं तो कहीं पदाधिकारी। सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार से अर्जित अपनी संपत्ति को छुपा कर रहे हैं अपने परिवार के नाम। बिहार के पूर्व डीएम ओम प्रकाश प्रसाद ने भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित कर ली है, जो कि अपनी पत्नी अनीता प्रसाद एवं अन्य के नाम पर जमीन, मकान व अन्य संपत्ति की हुई है। इसमें राजधानी के रूपसपुर इलाके में स्थित मकान व जमीन भी शामिल है, साथ ही बैंक व अन्य वित्तीय संसाधनों में भी मोटी रकम का निवेश किया गया है। ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है रेलवे। रेलवे विभाग इन दिनों कुछ खास ट्रेनों को लेकर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है, जिसमें देश की पहली प्राइवेट ट्रेन दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस हो सकती है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस और दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर IRCTC को सौंपा जा सकता है। झारखंड में चुनाव के लिए जदयू ने पूरी तैयारी की। जदयू ने अपनी पार्टी को झारखंड में मजबूती देने के लिए बिहार सरकार में मंत्री रामसेवक सिंह को वहां का प्रभारी चुना है। IANS ने बताया कि इस साल झारखंड के चुनाव में जदयू पूरी ताकत के साथ उतरेगी। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। राज्य के सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए की जा रही है तैयारी। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसके अंतर्गत 42 लाख शिक्षकों को चुना गया है। अब इन्हें बच्चों में बेहतर बौद्धिक बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। इसके अंतर्गत जिनकी सालाना आय 5 लाख से अधिक है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। दियारा क्षेत्र में सोन एवं गंगा का पानी बढ़ने से हालात हुए गंभीर। दियारा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में पानी भरने की वजह से वहां की क्षेत्रीय हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। जल स्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण 76 पुल के पास सोन की सोती में पानी भर गए हैं, जिसके कारण महावीर टोला जाने वाली कच्ची और पक्की सड़क पानी में डूब चुकी है। फसलों को तो नुकसान नहीं हुआ है, परंतु लोगों का आना जाना हुआ है मुश्किल। NOIS ने DLED का रिजल्ट भेजना किया शुरू। बीते बुधवार से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NOIS की तरफ से जारी किए गए DLED का रिजल्ट जारी कर भेजना शुरू हो चुका है। रिजल्ट कार्ड पहले DAO कार्यालय भेजे जाएंगे, जिसके बाद फिर वहां से सभी स्टडी सेंटरों के पास भेजा जाएगा। बिहार के गया में लीडर छात्र सीटी बजा बच्चों को भेजते हैं स्कूल। गया के पड़वा गांव स्थित गड़ुआ प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय में हर सुबह 9:30 बजे एक छात्र नेता सीटी बजाता है, जिसके बाद सभी बच्चे दौड़ते हुए स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। इस पहल को प्राचार्य वीरेंद्र कुमार द्वारा शुरू किया गया था। दीघा थाना क्षेत्र के गंगा नदी में बालू से लदी नाव पलटी। बताया जा रहा है कि गंगा नदी में नाव पर बालू लदे हुए थे, जिस पर करीब 20 से 22 आदमी सवार होकर नदी पार कर रहे थे।
इसी के बीच नाव का संतुलन बिगड़ने से पलट गई। नदी की धारा तेज होने की वजह से लोग पानी में बहने लगे, परंतु किसी तरह से नाविक ने 3 लोगों को बचाया। साथ ही मौजूद प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। अनंत सिंह करेंगे सरेंडर। गुरुवार को विधायक अनंत सिंह अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। खबरों की माने तो विधायक के कानूनी सलाहकारों ने भी उन्हें जल्द ही सरेंडर करने की सलाह दी है। विधायक के आत्मसमर्पण करने को लेकर पुलिस भी सचेत है। बाढ़ से लेकर पटना अदालत के बाहर पुलिस नजर रख रही है। तेजस्वी तेज प्रताप के धरने के आगे झुका नगर प्रशासन। तेजस्वी तेज प्रताप के धरने के आगे आखिरकार पटना नगर निगम को झुकना पड़ा। नगर निगम ने पटना स्टेशन के पास हटाए गए दूध कारोबारियों को पहले की ही जगह देने का ऐलान किया है। निगम प्रशासन ने इसे लेकर चिट्ठी भी जारी की है। नीतीश कुमार ने कहा, बैंक नहीं देती है बिहार को लोन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SLBC की बैठक में कहा है कि डिप्टी गवर्नर साथ ही अन्य बैंक के प्रतिनिधि बिहार को लोन देना ही नहीं चाहती है। शिक्षक के लिए निष्ठा योजना हुई चालू। केंद्र सरकार ने निष्ठा नाम से एक शिक्षक प्रशिक्षण योजना बनाई है। 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दी जाएगी। लगभग 42 लाख शिक्षक इसमें शामिल होंगे। धान की फसल के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार की बैक्टीरिया। भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सवौर बायो आर्सेनिक मेडिकेटर 1 नामक बैक्टीरिया तैयार किया है। आर्सेनिक से धान की फसल को सुरक्षित करने में इसका अहम योगदान होगा। अब तक 50 किसान इसे खरीद चुके हैं। कैश लूट होने पर थाना में शिकायत करें। नीतीश कुमार कैश लूट की वजह से लोगों को निर्देश दिए हैं कि यदि आपके खाते में ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है तो थाने में शिकायत दर्ज करें। गिरिराज सिंह ने ट्वीट पर किया बयान। पी चिदम्बरम पर वारंट जारी करने को लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट के माध्यम से उन पर कड़ा निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पी चिदम्बरम जी, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, और एक कहावत भी कही कि 100 जूता भी खाया और 100 प्याज भी खाए। मनेर में बाढ़ आने की संभावना समाप्त। मनेर दियारा के 2 गाँवों के सड़क पानी में डूब चुके हैं। सोन और गंगा के पानी में अचानक वृद्धि से लोग परेशान हो गए हैं। अंचलाधिकारी संजय कुमार झा ने बताया कि मनेर में बाढ़ आने की संभावना नहीं है। तेजस्वी यादव ने DGP पर किया हमला बोल। राजद के युवा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि DGP महोदय क्राइम पर नकेल कसने के बजाय PC, व्यक्तिगत ब्रांडिंग और मीडिया मैनेज करने में लगे रहते हैं। अब अगर DGP को खुद ही अपराधियों से डर लगने लगा है तो अपराधियों को कैसे संभालेंगे और राज्य की जनता, आम आदमी पर क्या प्रभाव होगा। बिहार में होगी 35,000 शिक्षकों की बहाली। राज्य के हाई स्कूलों में लगभग 35,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 27 अगस्त से आवेदन लिए जाएंगे। छठे चरण के नियोजन के लिए अभ्यर्थी 26 सितंबर तक नियोजन इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं। पटना नगर निगम के आयुक्त अनुपम सुमन ने छोड़ी नौकरी। कहा, करनी है ईश्वर की सेवा। अनुपम सुमन भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वे बिहार सरकार के मातहत नहीं थे। वे आयकर विभाग के अधिकारी हैं और उनके इस्तीफे पर फैसला लेने का अधिकार आयकर विभाग और केंद्र सरकार को है। बिहार सरकार ने उनकी सेवा इसलिए ही वापस की है ताकि आयकर विभाग उनके इस्तीफे पर फैसला ले सके। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए वो सरकारी सेवा छोड़ रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं मौसम के बारे में। मोतिहारी, नालंदा और औरंगाबाद में सवेरे अंशतः बादल छाए रहेंगे और दोपहर व शाम में बारिश होने की संभावना है, जबकि पटना, पूर्णिया, राजगीर, भागलपुर, छपरा और फारबिसगंज में बादल और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।